बोले नहीं दीदी, मुझे तो बोले विमान पेन ही चाहिए। बोले वो भैया बड़े वो अटास में लग गए। बोले चाहिए तो मुझे विमान पेन ही चाहिए। बोले अब बड़ी संकट खड़ी हो गई। दोनों बहनों में बेबाद हो गया। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बेबाद हो गया। और जैसे ही विवाद हुआ भैया, तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से बातें नहीं, बंद कर दिया उन्होंने बातें करना। बात तो यहां तक पहुंच गई कि दोनों ने एक दिन खाना नहीं बनाया। और जब पांचवें दिन में खाना नहीं बनाया तो मैया ने पूछा बड़ी वाली बिटिया से, बबलाई से, कहा बोले बेटा आज बताओ आपने खाना क्यों नहीं बनाया। उन्होंने कहा खाना मैया हमें नहीं बनाना है। छोटी वाली से कहा बोले बेटा तुम खाना बना लो। बोले माँ मुझे भी नहीं बनाना है। अब मैया ने सोचा कि चलो आज दोनों बहनों पर कोई विवाद हो गया हो, कल से बनाएंगे, आज मैं खुद खाना बना देती हूँ। काफी दिन भी हो गया मैंने, मेरी बिटियाएं भोजन बनाती हैं, आज बोले मैं बना देती हूँ। ताली बजाओ। वो भी विचार करने लगे। तब बोले चलो कोई बात नहीं है। तो दोनों बिटियाओं को उन्होंने ना कुछ कहा और मैया ने भोजन तैयार किया। भोजन तैयार किया, सबको भोजन करवाया, पर दोनों बिटियाओं को काफी अंदाजे पर उन्होंने बुलाया, पर दोनों ने नहीं सुना। दोनों को मैया बुला रही कि बेटा आओ खाना खा लो, पर वो नहीं सुन पाई। अब उन्होंने नहीं सुना तो मैया ने कहा ठीक है आप खा लेना, मैं आराम करती हूँ। एक दिन रात सुबह हुआ, सुबह पर मैया ने कहा बोले बेटा खाना बना लो, फिर भी बात आई नहीं बनाना है। अब यहाँ विमाल बहन धीरे धीरे बात कुछ कहने वाले थे, पर मैया ने अपने पति देव लोहंडी राजा से बुलाकर कही बोले महाराज सुनो जरा। बोले क्या बात है? मैं आपसे कुछ कहती हूँ। बोले जरा मेरी बात को गौर से सुनो। हाँ हाँ बोलो ना, एक बात बताओ आपने ये किया है अच्छा नहीं किया? बोले क्या? अरे बोले सुनो ना, ये आपने जो लमजने लाए हो बाबा को, बोले भैया को, भनंज भैया को, तो आप बताओ किसके लिए लाए हो? अरे बोले ये क्या पूछने वाली बात है देवी, मैंने तो बड़ी बिटिया के लिए लाया हूँ। ताली बजाओ। ये पूछने वाली क्या बात है? हाँ तो मैं भी तो वही विचार कर रही हूँ ना। बोले कि आपने बड़ी बिटिया के लिए लाए हो तो। अरे महाराज यहाँ बड़ी संकट खड़ी हो गई है। बोले कौन सी संकट? देखो ना। बोले ये जो बड़ी वाली बाई है वो तो कुछ नहीं बोल रही है, छोटी वाली जो बिटिया है ना वो बोले विमान पेन से बीमा कराना चाहती है। बोले अरे ये क्या हुआ? बोले ऐसा पता नहीं था। बोले मेरे बहन गया तो सात लड़के थे, अगर ऐसा पता होता तो बोले एक और ला लेता। ताली बजाओ। एक और ला लेता। बोले ये तो बड़ा लफड़ा हो रहा है। बोले अब भैया उन्होंने दोनों पति पत्नी ने बात रखी, पर राजा को बड़ा ठोस लग गया कि बताओ अब यहाँ मैं विवाह करने का समय बना रहा हूँ और यहाँ पर ये बात खड़ी हो रही है। तो राजा को थोड़ा ठोस लगा। राजा दूर जाके बैठ गया और बैठ करके रोने लगा। और रोते रोते कुछ पल के बाद वहां से विमाल बेन बाबा निकल रहे थे। उन्होंने ऐसा करके सिर देखा तो मामा रो रहा था। बाबा विमाल कहने लगे बोले मामा क्या बात है आज आप रो रहे हो, क्या कुछ हुआ है बताओ तो जरा। यहां से लोहनी राजा कहने लगा बोले बेटा ये बात बताने वाली नहीं है, अगर मैंने ये बात तुमको बता दिया तो न जाने ये बात तुम सहन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ताली बजानी होगी। ये बात आपको सहन हो पा रही कि नहीं हो पा रही है, ये तो मुझे उचित नहीं लग रहा है। ये यहां से जैसे बोले बोले जा रहे थे पर बाबा ने कहा विमाल ने बोले मामा जब मेरे गांव में चार पंच बैठे थे तो आपने क्या कहा था? आज से मैं बेटा बना के ले जा रहा हूँ, जो भी सुख दुख रहेंगे सब हम बांट के अपने जीवन बताएंगे। और आज तुम पर संकट रो रहे हो और संकट आई है और आप मुझे बात नहीं बता रहे हो, इसका मतलब है कि तुमने मुझे बेटा नहीं बनाया है। ताली बजाना होगा। आपने मुझे अपना बेटा नहीं समझा। उन्होंने कहा अच्छा आप ये बात पूछना ही चाहते हो तो बोले बैठो, पर बोले किसी को कुछ मत कहना बेटा, अगर बात अच्छी ना लगे तो कोई ना कोई रास्ता निकाल देना। हाँ हाँ बोले मामा कहो ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बोले दोनों मामा बने सामने आमने बैठ गए। ये बात राजा लोहनी ने अपने
विमल बेन को बात रखा और कहने लगे, बोले भैया बात ये है कि जो मैंने आपको बड़ी बिटिया के लिए लाया था, लेकिन छोटी बिटिया तुमसे विवाह कराना चाहती है। ये बड़ी बोले संकट पड़ गई है, इसलिए बोले मैं आश्चर्यजनक मैं आपसे कुछ बोल नहीं पा रहा था। ताली बजाओ, मैं आपसे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा हाँ, यही तो मैं पूछना चाह रहा था। आप बोले नहीं बोल रहे थे ना, कोई बात नहीं है। जैसे ही उन्होंने बोला तो बोलने के बाद उन्होंने गिरोलागढ़ में ऊपर राजमहल में चढ़े और राजमहल में चढ़ करके उन्होंने सूरज महाराज और शंभू बाबा और गुरु को नमन किया। ताली बजाओ, उन्होंने अपने मातृभूमि का गुरु को नमन किया और नमन करते ही कहने लगे, अब कौन सी घड़ी परीक्षा और आ गई यहाँ। मातृभूमि को जैसे उन्होंने प्रणाम किया, वहां से आवाज आई और कहने लगे, बोले भैया आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। ताली बजाओ, वो घड़ी आ चुकी है। बोले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया आप जो इंतजार कर रहे थे उनका जो मार गुरु भूमिका है, उन्होंने कहा कि आप जिस बात के लिए इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। बात आप समझ जाओ, दोनों बहना पर विवाद हो चुका है, अब आगे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ताली बजाना होगा, जरूर निकलेगा। तो चलो, हमारे आज हमारे खमरिया में दूर दूर से मेहमानों का आगमन हुआ है, तो हम सोच रहे हैं एक बार मेहमानों का सम्मान कर दिया जाए। हमारी जो समिति है वो हल्दी चावल से निमंत्रण तो करेगी, पर हम भी गीत गा के सम्मान करते हैं। एक बार ताली बजाओ मेहमानों के लिए। अब हम तो जानते नहीं है कहां से, पर वो हमारे मेहमान है तो सम्मान देना जरूरी है। हमारे जिला सदस्य महोदय हैं, पोरते जी है, एक बार हाथ उठा के बता दीजिएगा कौन से हैं हमारे पोरते जी। यहाँ देख लीजिएगा, ये हमारे जिला सदस्य महोदय है। जोर से ताली बजाओ। तो चलो, ये बधाई हो जाए, एक बार गीत हो जाए उनके लिए। हमें गर्व होता है कि हमारा समाज का बेटा सीना तान के अगर सदस्य बने या अध्यक्ष बने, अगर कुछ ना कुछ बने, तो हमें लगता है कि हमारा जो समाज का आगे क्रांति लाने वाले कोई ना कोई वीर योद्धा खड़े हैं, उनके लिए गीत प्रस्तुति है। और जिसको लगता है सब लोग ताली बजाएंगे और सम्मान करते जाएंगे। तो लीजिएगा, पोरते परिवार है कि पोरते परिवार के राजा भैया, के पोरते परिवार के राजा भैया, अरे सुन लो जिदा जिला सदस्य महादेव, तालिया। हमारे महोदय जी है जिला सदस्य, जिनकी गूंज गूंज रही भैया और चला रहे हैं आदिवासी का आयो विदेश। रे गुंडा बाडा के बाजा बाधैया, है ना भैया, आ गए रे पोरते भैया, ये गुंडा बाडा के बाजा बाधैया, आ गए रे पोरते भैया, नाचना पड़ेगा भैया। नाचने वाले खड़े हो जाओ, जब तुम्हारा जाएगा स्वागत है। खड़े हो जाओ जरा, क्या बात। भैया और सुना जरा,
गोरे भैया उनका जन्म कौन से गांव में हुआ है? बदला गांव में हुआ है और आज जिला सदस्य है वो। कैसे रे बड़ा बाजा के बाजे बधैया आ गई रे बोले भैया, ये बड़ा बाजा के बाजे बधैया आ गई रे बोले भैया, यो हो बाजा के बाजे बधैया आ गई रे बोले भैया। हीरो 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 ऊपर हाथ करके चलिए एक बार जोर से, आ गई रे बोले भैया, आ गई रे बोले भैया, आ गई रे बोले भैया, बड़े बाजा के बोले बाजा के बाजे परिवार का नाम करो भैया, परिवार का नाम करो भैया, ये समाज को आगे बढ़ाना है। कैसे इरे बड़े बाना के बाजे बधैया आ गए रे बोले भैया, यो बाना के बाजे बधैया आ गए रे बोले भैया, यो बाना के बाजे बधैया आ गए रे बोले भैया, आ गए रे बोले भैया, आ गए रे बोले भैया, आ गए रे बोले एक बार तालियां और जोरदार नाचने वालों के लिए। हाँ क्या बात, तो जो मेहमान हैं उनके लिए हमने बधाई गीत गाया है। अब इसके बाद मेरी कथा को आगे ले चलता हूँ, पर हमारे जो गांव की समिति तिलक हो गया ना,
हल्दी चावल से अभिवादन करेंगे हमारी जो समितीय कमेटी अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, हमारे शिक्षक महोदय अधिकारी है ध्रुवे जी, वो भी वंदना करेंगे, तिलक लगा दें समितिया करके जाओ तो लीजिएगा। अब बधाई गीत में तिलक बंदन होते जा रहा है, साथ में थाली ले लो। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो ऐसा ही सम्मान होगा सबका, इसलिए पहचान बता दी जा रही है। थाली बजाओ, ये पहचान शिक्षा की है। जिसके पास अगर शिक्षा है वो शेरनी का दूध कहलाता है, और जिसने शेरनी का दूध ग्रहण किया है वो दिल्ली तो क्या हर जगह सतरंगी ध्वजा लहरा सकता है। ताली बजाओ, वो लहरा सकता है। बस शिक्षा होनी चाहिए, भला एक रोटी कम खाना पर शिक्षा ग्रहण ज्यादा करना। अगर इसके पास हमारा ये समाज है, इसके पास शिक्षा नहीं था इसलिए तो वो दूर होते जा रही थी। अब हमारे पास शिक्षा भी है, तन भी है, धन भी है, मन भी है, और पूरा समाज और कथावाचक भी साफ हो गए, हमें कोई कमी नहीं है। तालियां, जोरदार तालियां। बोलिए परम शक्ति पड़ा पेंता। आज थोड़ी एक वो हो जाए परीक्षा की, कौन पक्ष से ज्यादा आवाज आ रही है, मातृ शक्ति की ज्यादा आवाज है कि पितृ शक्ति की। कल तो हो गई थी, आज परीक्षण रह गई है। आप मत बोलिएगा, थोड़ा रुक जाना, अब भैयाओं की परीक्षा हो जाए एक बार। अपने अपने माता पिता दादा दाईता, अरे आप लोगों ने क्यों बोला, आपको अभी मना कर दिए है ना, एक बार और जन्म देने वाले दादा दाईता। अब भैयाओं का माताओं का नंबर है, चलो हमें जीतना भैया समझ जानो, हमें पता है अगर किसी गांव में अगर एक भाई ने अगर झगड़ा चालू कर दिया ना पूरा गांव उठा देती है, तो आज पता चलेगा कि पंडाल में कौन कितनी आवाज निकालता है। चलो तो जरा बोलिए नर्मदा दाईता, खेरा दाईता। मन एक बात और है, कोई हाथ उठा रहा खुले करके, कोई उठा रहा मुट्ठी बांध के, एक बार मुट्ठी बांधो सब लोग एक बार, चलो एक बार और लीजिए कलिया दाईता। धन्यवाद धन्यवाद। तो इसी प्रकार से मेरे प्रेमी भक्तों, हमारी जो कथा है वो कथा चल रही है कहाँ, चलो बताओ कथा कहाँ चल रही है, हमारे राजा रानी बताएंगे कहाँ गए। दोनों जोड़ी राजा रानी बताओ कथा कहाँ चल रही है। बताओ भैया, याद तो होगा ना, सही कहा किसी ने। हाथ जोड़ रहे तो ताली बजा दो, सबका प्रणाम सेवा जोहार हो जाएगा, ऐसा जाओ अभी बता दे आशीर्वाद सदा कुछ रहो। तो अब यहाँ कोई भी भूमका जी बताएंगे कथा कहाँ चल रही है हमारी। उन्होंने कहा कि मामा और भनेज के बीच में वार्तालाप चल रही है, चल रही ना, क्या बात है, तालियां जोर से। तो मेरे भाई भाई इसी प्रकार से वहां जैसे ही उन्होंने बात रखा, तो बात रखते ही उन्होंने कहा यहाँ पर बाबा भीमाल बेन ने अपने गुरु महारू भूमका को मस्तक नभाया, और मस्तक नभा के गुरु से कहा, बोले दादा अब बताओ क्या समस्या पड़ी है, यहाँ दोनों बहनें झगड़ा कर रही है मेरे लिए, बोले करूँ तो विवाह किससे करूँ। उनके मारू भूमका ने कहा, भैया आपने मेरे से पूछा था ना कि कोई रास्ता निकलेगा, अब बोले रास्ता खुद निकाल लो, हमने दोनों का मन को बदल दिया है, अब आगे का रास्ता चुनने की जवाबदारी आपकी है। ताली बजाओ, आप आगे रास्ता आप चुनोगे, बोले। उन्होंने कहा अच्छा ये बात से, बोले हाँ हाँ, तो बोले ठीक है क्या कहना होगा, बोले आज दोनों बहनों के साथ बैठो, बोले आप, और बैठ के बोले ये बात रखो, बोले क्या, उनसे कह दो कि मेरा एक ही पैरा में विवाह होगा, ये 24 घंटा होता है, 24 घंटे में तीन पैरा होते हैं, तीन पैरा में मुझे एक पैरा है, उसमें अगर विवाह हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो समझ जाना वो नहीं हो पाएगा। ताली बजाओ, ऐसा करके ये प्रस्ताव रख दिया। तो शाम के समय उन्होंने बढ़िया खाना खाया, और उन्होंने दोनों बहनों को बुलाया, बाबा भीमाल
बहनों के कहा बोले आप बैठो जरा यहाँ पे। उन्होंने बिठाला साहब साहब और कहने लगे बताओ तो तुम दोनों बहना दो दिन से मेरे से बात नहीं कर रही हो। बोले क्या बात है। बड़ी वाली तो शर्मों के खातर कुछ नहीं बोली पर छोटी वाली ने जल्दी से बोल दिया। बोले साहब बात कुछ नहीं है, अगर बोलू तो बुरा तो नहीं लगेगा। बोले नहीं नहीं बोलो। बोले मैं सोच रही थी कि आपका विवाह मेरे साथ हो जाए। हाँ हाँ बोले हो जाएगा। अब बड़ी वाली ने बोली ऐसा नहीं होगा। बोले विवाह तो मेरे साथ होगा क्योंकि बाबा ने मेरे लिए लाए हैं। ताली बजाओ मेरे लिए लाए हैं आपको। बोले अब सुनते 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 दोनों को कहा बोले तो आप थोड़ी देर चुप रहोगी देवी या मैं कुछ बोलूं। बोले बोलो। बोले मेरी एक समस्या है, मेरी भी जैसे तुम्हारी समस्या है ऐसी समस्या मेरी भी है। तो दोनों कहने लगी महाराज क्या समस्या है बताओ आपकी। अरे बोले मैं जब गुरु से जब मैं समाज की सेवा करने के लिए 5 वर्ष की उम्र में जब निकला था तो मेरे पिता भूरा पोए राजा मेरे पिता ने बोले मारू भूमका के पास गुरु दीक्षा लेने पहुंचाए थे। जब मैं गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहा था तो दीक्षा देने से पहले मेरे गुरु से एक वर्णन एक बैठी हमारी उन्होंने कहा था बेटा आजीवन कुंवारा रहना है पर यहाँ माता पिता के वचनों पे मैं बंध गया यहाँ से मामा चले गए यहाँ मैं लमजने आ गया। मेरी भी एक संकट घड़ी है। बोले ताली बजाओ जोर से। तो बोले क्या विवाह नहीं करोगे। नहीं नहीं बोले करूंगा ना विवाह। तो बोले कैसे करोगे। बोले है थोड़ी सी जगह है पर बोले उन्होंने कहा था कि खाना खाने से लेकर 10 बजे रात तक 10 बजे से लेकर 2 बजे रात तक और 2 बजे से लेकर 4 बजे रात तक। अच्छा तो बोले कौन से पैरा में विवाह है। बोले उन्होंने कहा था अगर शाम का समय हो उसी समय विवाह कर लेना। तो छोटी वाली बड़ी प्रसन्न हुई और बोले क्या प्रस्ताव। बोले क्यों अभी विवाह कर लेते हैं ना। बोले अभी तो समय है। नहीं 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 और सुना। बोले वो एक समस्या और है। क्या। बोले विवाह करने से पहले मुझे बोले मेरे गुरु के दर्शन करने जाना है। ताली बजाओ ये गोंडी में लगता है। बोले अच्छा गुरु के दर्शन करूंगा मारू भूमका के उसके बाद बोले मेरे गुरु के दर्शन करने जाऊंगा पैनक मेडी यानी पचमढ़ी। ताली बजाओ मेरे गुरु के दर्शन करने जाऊंगे। किसका। बोले बोले देवाती देव महादेव बाबा के। आपकी भाषा में शंकर जी बोला जाता है। अच्छा फिर उसके बाद बोले मेरे माता पिता के दर्शन करने जाऊंगा। कहाँ। बोले लांजीगढ़। ताली बजाओ वहां जाऊंगा। फिर बोले मेरे जहाँ देवी देवता दुलते हैं डोंगरगढ़ जाऊंगा। हाँ कितने प्रस्ताव रखे उन्होंने 4। तालियां जोर से बजानी पड़ेगी। हनुमान जी महाराज बाबा भीमाल बेन ने 4 प्रस्ताव रख दिया 4। फिर उसके बाद बोले अगर कहीं अचानक समय दर्शन हो गए और दर्शन होते होते कहीं अचानक बीच में मुर्गा ने बोल दिया पूरे दर्शन नहीं हुए। एक बात बोले सुन लीजिए। क्या। बोले अगर आपने पूरे दर्शन हो गए उस अगर मुर्गा ने नहीं बोला तो आज जो पहले हाथ पकड़ेगी उससे विवाह हो जाएगा। और कहीं ये दर्शन करते करते मुर्गा ने बोल दिया तो समझ जानो किसी से विवाह नहीं होगा। ताली बजाना होगा किसी से विवाह नहीं होगा। अब दोनों बहना संकट में पड़ गई। तो बोले महाराज कृपा करो अभी टेम है। बोले जल्दी से चलो गुरु दादा के दर्शन करने। हाँ तो बोले चलो यहाँ से बात करते 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 वही जो बगिया थी वहां कहा महाराज गिरोला गढ़वे लोहटी राजा की जो बगिया थी जिस बगिया की दास्तान कहीं जोड़ दिया गया है ये आपको पता होगा कि वहां दोनों की बात चल रही थी। बताते हैं कि राम और सीता वहां जाते हैं और वहां बगिया में घूमते घूमते वो उनका वो होता है। शायद वहां बात है कि नहीं है पर यहाँ अपने महाराज भीमाल बेन बाबा बमलाई और समलाई दाई दोनों तीनों बगिया में घूमते घूमते वहां से निकल जाते हैं। और निकल के वो कहां जाते हैं। पहले जाते हैं अपने मारू भूमका के गांव। आप जैसे ही मारू भूमका के गांव पहुंचे तो वहां मारू भूमका भी अपने गुरु के दर्शन करने पैनक मेडी गए थे। ताली जोर से बजाओ पैनक मेडी गए थे। तो अपनी बड़ी वाली बहन यानी भीमाल बेन बाबा की बड़ी बहन थी मेढ़े में। जैसे ही वो गांव
मारू भमका के घुस रहे थे तो वहां पर बड़ी बहन मेले में उनके दर्शन हुए। बड़ी बहन से विमाल बहन बाबा ने दर्शन पाए और कहने लगे, बहना बताओ जरा, बोले मैं गुरु दादा के दर्शन करने जा रहा हूँ, क्या गुरु दादा गाँव में मिलेंगे मुझे। बड़ी वाली बहन ने बताया, बोले भैया वो तो बोले नहीं है, कल के निकले वो पैनक मेड़ी पचपड़ी, बोले अपने गुरु के दर्शन करने गए शंभू बाबा के, ताली बजाओ, वो घर पे नहीं है बोले। अच्छा तो बोले कोई बात नहीं है, तो बोले वहां से लौट गए। अब लौट के जो कहां जा रहे हैं, पचपड़ी जा रहे हैं और पचपड़ी के दर्शन करके वहां से मारू भमका लौट गए। किसके दर्शन पाके, भोले बाबा के दर्शन पाके मारू भमका लौट रहे हैं और बाबा भीमाल यानी हनुमान जी महाराज अब उनके दर्शन पाने जा रहे हैं। तो बीच रास्ते में उनकी मुलाकात होती है और जैसे ही मुलाकात हुई उन्होंने क्या कहा, भैया बसराव वो नमन करते हैं और नमन करते करते अपने जैसे गुरु के दर्शन मिले हैं। बस दो शब्दों में कहूंगा, ज्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि समय होते जा रहा है, राज मेरी कथा बहुत लंबी भी है। मैं सोच रहा था कि कथा आज विराम दे देता, लेकिन हो सकता है अगर हो जाए तो ठीक है और ना हो तो काफी है, वो तो चलती रहती है। यहाँ से जैसे ही वो पहुंचे तो गुरु कुछ दूर थे और यहाँ से ये भी पहुंचे जाते हैं और ये नमन करने लगे और पास में पहुंचे और गुरु के सामने कहने लगे, क्या हे गुरु देव सन लो यरैया, है ना भैया, अपने गुरु के सामने पहुंच के क्या बोले, हे गुरु देव सन लो यरैया, तेरे भक्त के ले लो कबरिया, हे गुरु देव सन लो दर्शन पाए के, ये दर्शन पाए के तुमने दर्शन पाए, अब जाने पचपड़ी नगरी, अरे बाबा तेरी हो गई नगरी, उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हारे दर्शन हो गए, अब पचपड़ी बाबा नगरी जा रहा हूं, बाबा के दर्शन हो जाए तो काफी होगा। तो क्या बोले, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव सुन लो यार, एक बार ताली हो जाए, जोर से ताली बजनी चाहिए।
इतने जोर से बजना चाहिए कि कोई अगर आपके साथ में दूर से कोई चंडाल या कोई भूत प्रेत आया हो ना कि तुम्हारी तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर ये पंडाल से छेद बना के भाग जाना चाहिए। एक बार और तालियां जोर से आ जाओ। इसी प्रकार से वहां उन्होंने दर्शन पाए और यहाँ देखो ना ये आश्चर्यजनक हुआ। यहाँ से जैसे ही महारूम का पचमढ़ी से लौट के आने लगे तो बाबा तो उनको मिल गए थे बाबा भोलेनाथ, पर जैसे ही ये पहुंचे जा रहे तो बाबा वहां नहीं मिले क्योंकि उनके विदा करने के बाद बाबा को कुछ काम था तो वो जंगल में चले गए थे। ताली बजाओ, वो जंगल में चले गए थे, वो लकड़ी को काटने या छीनने गए थे ऐसा बताते हैं। तो वहां वो काम के लिए शंभू बाबा चले गए थे, वो वहां नहीं मिले। तो उसी समय में जब बाबा चले गए थे तो वहां माई जो आपकी परिभाषा के हिसाब से आप जो बोलते हो, मेरी परिभाषा गौड़ी में उनका बोला जाता है गौरादाई और उनसे और पहले बोले तो उनको मोलादाई बोला जाता है और आज की जो परिभाषा है उसमें आप पार्वती बोलते हो। तो जो आपको लगता है पर बोलना चाहिए उनको गोरा या मूला, ताली ये बजाना पड़ेगा, ये दोनों शब्दों से उद्बोधन करना होगा। उसी समय की बात है जब बाबा विमान पे यहां से गए, उन्होंने पचमढ़ी में आवाज दिया पर मैया उस समय स्नान कर रही थी। ताली बजाओ, मैया उस समय स्नान कर रही थी। स्नान करते आवाज वहां से दिए बाबा विमान ने और विमाल को कह दिया। मैया ने कहा, बोले भैया मैं स्नान कर रही हूँ, विमाल कृपा करना द्वार के किनारे बैठे रहना, किसी को अंदर नहीं आने देना। ये बात मैया गौरा ने बाबा विमाल पे इनको कहा था। तालियां जोर से बजनी चाहिए। अब ये तो आप समझ गए होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ कहा है कि मिट्टी का वो पुतला खड़ा कर दिया गया था, वहां वो मिट्टी का पुतला नहीं था मेरे राजा, वहां पर बाबा विमान पर बैठे थे और मैया स्नान कर रही थी। तो उन्होंने कहा था कि बेटा अंदर किसी को आने नहीं देना, बस वही मैया की सेवा कुछ पल बाबा विमान देने लगे। वो जहां बैठे रहते हैं ना, आज भी कहीं भी देखना, अगर बाबा भोलेनाथ या शंकर जी का ठाना बना है तो हनुमान जी का स्थान जरूर मिलेगा। ताली बजाना पड़ेगा, उनका ठाना जरूर मिलेगा। तो वो स्नान करते समय उन्होंने ये बात कही और कुछ पल के बाद यहाँ से बाबा भोलेनाथ का आगमन हुआ। बाबा भोलेनाथ अंदर जाने लगे तो बाबा को कुछ पल है विमान बेन बाबा ने पहचानने से थोड़ी देरी कर दी। पहचान तो गए थे पर बाबा से वो कुछ कहना चाह रहे थे कि बाबा मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचाने। तो विमान बेन बाबा ने कुछ लोगों ने यहाँ कहा है कि मिट्टी का वो पुतला खड़ा कर दिया गया था, वहां वो मिट्टी का पुतला नहीं था मेरे राजा, वहां पर बाबा विमान पे बैठे थे और मैया स्नान कर रही थी। तो उन्होंने कहा था कि बेटा अंदर किसी को आने नहीं देना, बस वही मैया की सेवा कुछ पल बाबा विमान देने लगे। वो जहां बैठे रहते हैं ना, आज भी कहीं भी देखना, अगर बाबा भोलेनाथ या शंकर जी का ठाना बना है तो हनुमान जी का स्थान जरूर मिलेगा। ताली बजाना पड़ेगा, उनका ठाना जरूर मिलेगा। तो वो स्नान करते समय उन्होंने ये बात कही और कुछ पल के बाद यहाँ से बाबा भोलेनाथ का आगमन हुआ। बाबा भोलेनाथ अंदर जाने लगे तो बाबा को कुछ पल है विमान बेन बाबा ने पहचानने से थोड़ी देरी कर दी। पहचान तो गए थे पर बाबा से वो कुछ कहना चाह रहे थे कि बाबा मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचाने। तो विमान बेन बाबा ने यानी भोले बाबा ने खुद विमान को नहीं पहचान पाए। ताली बजाओ, वो विमान को नहीं पहचान पाए। दोनों पे आश्चर्यजनक हुआ। उन्होंने अंदर जाने से रोका, बोले बाबा मैया स्नान कर रही है, थोड़ा बैठ लीजिएगा। तो बाबा ने कहा, बोले भैया आप कौन हो और मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो, ये तो बोले मेरा ही घर है। हाँ तो बोले कोई बात नहीं है। उन्होंने नीचे से ऊपर जैसे ही देखा तो देखने के बाद बाबा विमाल की आंखों में आंसू आए, कहने लगे बाबा मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आपको मैंने रोक लिया। उन्होंने गए और सीधे जाके उन्होंने मस्तक टेका चरणों में। ताली बजाओ, विमाल बेन बाबा ने शंभू बाबा के चरणों में मस्तक टेका और मस्तक टेकने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों की वार्तालाप हुई। अब वहाँ ये बता दिया गया उन्होंने त्रिशूल से किसी को मारा और मरने के बाद वहाँ हाथी का सिर लगा दिया गया। ये कितनी सत्य है ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो पुनेम है वो बिल्कुल सत्य है। थाली बजानी होगी, ये बिल्कुल सत्य है आप लोगों को। इसके बाद बाबा विमान बेन को उनके दर्शन हुए और दर्शन होने के बाद वहां से शंभू बाबा से दर्शन पा करके वो विदा लिए और विदा लेकर के लौट गए।
भैया, और जैसे ही वहां से लौटे तो लौट करके वो भजन करते जाते हैं और आकर के अपने लांजीगढ़ पहुंच जाते हैं। अब आपको पता होगा, शायद मैंने कल से बता रहा हूं कि बाबा भीमालपेन का जन्म लांजीगढ़ में हुआ था, यानी हनुमान जी का जन्म लांजीगढ़ में हुआ था। ताली बजाओ। उनके माता पिता का नाम भी बता चुका हूं। उनके पिता का नाम है भूरा बोई राजा और मैया का नाम है कोतमा दाई। उनकी कोई पूछ नहीं थी, जैसे तुम्हारा जन्म हुआ है ऐसे ही उनका जन्म हुआ था। अब लोगों ने उनकी पूछ बना दिया, मुख बड़ा कर दिया, शरीर में सिंदूर लगा दिया। उनको सिंदूर नहीं लगती थी। सिंदूर लगने का भी बहुत बड़ा कारण है, अगर समय मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। ताली जोर से बजानी पड़ेगी। सिंदूर उनको क्यों लगा, कब लगा, ये भी मैं बता देता, पर मुझे कथा को अभी आगे लेके चलना है, इसलिए कथा जैसे आती जाएगी मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। बोलिए भीमालपेन बाबा आता, आवाज जोर से आनी चाहिए। मात पिता दादा दाईता, सेवा सेवा, धन्यवाद। अब यहां से जैसे ही उन्होंने दर्शन पाए, और दर्शन पाने के बाद वो कहां पहुंच रहे हैं, अपने दादा दाई के गांव जा रहे हैं, यानी उनका खुद का गांव। उनका गांव कौन सा है, उनका गांव है लांजीगढ़। अब लांजीगढ़ पहुंचे तो देखे 12 बजे का रात्रि का समय हो चुका था। कितने बजे का भैया, 12 बजे रात का। ध्यान रखना सब कथा में, कोई भूल मत जाना। अरे तो मेरे राजा रानी, ये 4 वेद 18 9 शास्त्र पुराणों में ये बात नहीं मिलेगी, इसे रख लो। और हमारे अभी दुकान वाले आए हैं, इसे पुनेम को ले और ये कथा को पढ़ो। पढ़ने के बाद कहना कि गुरुजी ने क्या रहस्य बताया था। ताली बजाओ, ये तुमको पढ़ना पड़ेगा। ये हर घर में पुनेम होना चाहिए, हर घर में संविधान होना चाहिए। मैं रोज आपको ये संदेश देता हूँ, अगर ये होगा तो भली बात है कि आपको ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से वहां से वो लांजीगढ़ पहुंचे तो रात्रि के 12 बजे थे। अब 12 बजे रात में दादा दाई सो रहे थे। उन्होंने जो खाट पर दादा दाई सो रहे थे वही उन्होंने बदना किया और बदना करके कहने लगे, दादा दाई मैं अब आगे जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। अब वहां पिता को नींद नहीं लगी थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहने लगे बेटा जाओ, दूधन करो ना करो, जो काम कर रहे उसमें सफल हो जाना। ताली बजाओ, जो कार में आप हो उसमें सफल हो जाना। वहां से भीमालपेन बाबा निकल गए। अब चलते 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 भैया कहां जा रहे हैं, अब वो जा रहे हैं सीधे डोंगरगढ़। और डोंगरगढ़ जाते जाते बड़ी वाली जो बिटिया है जिनका नाम बमलेश्वरी कहते हैं और उनको गौंडी में बमलाई दाई बोला जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। जो बमलेश्वरी है वही बमलाई दाई है। वो बड़ी वाली थक गई, वो कहने लगी विमान से, बोले महाराज मुझे तो बोले पहिया चले नहीं जा रहे हैं तुम्हारी, ये बोली बोले ये टीला डोंगरगढ़ का मैं नहीं चढ़ पाऊंगी। बोले ताली बजाओ, मुझे चढ़ना नहीं आ रहा है, चलो भैया मसरा। बमलाई दाई ने बाबा हनुमान यानी भीमालपेन बाबा से बोल दिया, बोले मुझे चढ़ना नहीं आ रहा है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगी। बोले तो क्या कहा, बोले बाबा अकेले चले जाओ, जो होगा देखा जाएगा, अब आगे पग नहीं पड़ने का मन कर रहा है। जी क्या बोला, अरे मोहे चढ़ा नहीं जाए बाबा तुरे डोंगर कर आवे, मोहे चढ़ा नहीं जाए ये बाबा तुरे बाबा।